कुमार और सायरा बानो की शादी हुई। हालांकि दिलीप कुमार का सिर्फ मधुबाला और सायरा बानो प्यार नहीं थी, इसके अलावा भी कई अभिनेत्रियां थी जो दिलीप की जिंदगी में रही, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनसे दिलीप शादी करना चाहते थे, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उनका नाम सुनकर शायद आपको भी शॉक लगे। जी हाँ, वहीदा रहमान। आपने शायद कभी ना सुना हो इन दोनों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि वहीदा को हमेशा गुरुदत्त के साथ ही देखा जाता था। उनका नाम हमेशा गुरुदत्त के साथ ही जुड़ा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाली हूँ कि आखिर दिलीप कुमार और वहीदा कैसे शादी करने वाले थे, किस तरीके से दिलीप ने वहीदा को धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो के लिए। उस समय दिलीप नहीं जानते थे कि उनकी शादी आखिर में सायरा से होगी, लेकिन वो वादा कर चुके थे वहीदा से। जब वहीदा अग्री हो गई तब दिलीप ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वहीदा टूट गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप कुमार के प्यार के चर्चे बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ रहे, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि वहीदा रहमान से भी दिलीप का प्यार रहा। जी हाँ, दिलीप और वहीदा रहमान का प्यार तीसरे नंबर का था, यानी कि वहीदा रहमान दिलीप की जिंदगी में मधुबाला के बाद आई। बता दे, दिलीप की जिंदगी का तीसरा प्यार बनी कमाल की अदाकारा वहीदा रहमान। गुरुदत्त के साथ अपने रिश्तों के लिए पहले से ही चर्चित वहीदा रहमान को दिलीप कुमार शुरू से ही बहुत पसंद करते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि यूसुफ साहब वहीदा रहमान से निकाह करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए वहीदा को प्रपोज भी किया था, लेकिन इधर वहीदा राजी हुई और उधर दिलीप साहब की जिंदगी में आ गई कश्मीर की कली सायरा बानो। चलिए आपको बताते हैं वहीदा और दिलीप के साथ साथ आखिर दिलीप की जिंदगी में कितनी मोहब्बतें आईं। पहले आपको बता दें कि एक समय था कि जब मधुबाला से धोखे के बाद दिलीप कुमार शादी करना चाहते थे, वहीं अपने शादी के सिलसिले में वो मद्रास के ज्योतिष के पास गए। वहीं ज्योतिष ने दिलीप कुमार को देखकर कहा कि तुम जिस शख्स से शादी करना चाहते हो उस महिला का नाम व से शुरू होता है। तब दिलीप कुमार के दिल में वहीदा थी, वहीदा उनको अच्छी लगती थी और बिल्कुल शादी मेटीरियल लगती थी, इसलिए दिलीप कहीं ना कहीं वहीदा से ही शादी करना चाहते थे। लेकिन मद्रास की ज्योतिष ने कहा, जो तुम्हारे दिल में है वो कभी नहीं होगा, तुम्हारी वहीदा से शादी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी शादी होगी स नाम की अभिनेत्री से, जिस महिला के नाम के आगे स होगा। वहीं ज्योतिष ने कहा कि उससे शादी तुम्हारी 60 दिनों के अंदर हो जाएगी, जो शादी वाकई सबको चौंका देगी। चलिए आपको बताते हैं आखिर दिलीप कुमार की जिंदगी में कितनी मोहब्बतें आई, किस किस से दिलीप कुमार ने प्यार किया। दिलीप की पहली मोहब्बत, जी हाँ, दिलीप साहब का पहला प्यार बनी 40 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री कामिनी कौशल। फिल्म शहीद के सेट पर दिलीप साहब और कामिनी का प्यार परवान चढ़ा। ये दोनों तो शादी भी करने वाले थे, लेकिन अपने परिवार वालों के आगे कामिनी की एक ना चली और वो किसी और से शादी रचाकर दिलीप कुमार को तन्हा कर गई। जी हाँ, कहा जाता है कि कामिनी कौशल ने अपने जीजा से शादी कर ली, क्योंकि कामिनी की बहन का देहांत हो गया था और उनकी बहन और जीजा के एक बेटी थी जिसकी परवरिश करनी थी। वहीं परिवार जनों ने फैसला किया कि तुम दिलीप कुमार से ब्रेकअप कर लो और अपने जीजा से शादी कर लो। हालांकि कामिनी कौशल दिलीप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भाई ने गोली मार कर उसको धमकी दी। जी हाँ, कामिनी के भाई ने खुद को दिलीप और कामिनी के आगे गोली मार ली, जिसके बाद कामिनी को अपने जीजा से शादी करनी पड़ी और इस धोखे के बाद दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहने लगे, क्योंकि दिलीप ने इसके बाद बहुत सी सीरियस और प्यार की फिल्मों में काम किया। वहीं अब बात आती है मधुबाला की। दिल पर चोट खाए दिलीप कुमार दूसरी दफा दिल दे बैठे बे इंतहा खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला को। इनके प्यार के किस्से काफी मशहूर हुए। फिल्म तराना के सेट पर ये दोनों पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में डूब गए, लेकिन इनके रिश्ते में आने वाली दरार इतनी गहरी साबित हुई कि मधुबाला के पिता के साथ दिलीप कुमार के रिश्ते कानून की चौखट तक जा पहुंचे। मधुबाला के घर वालों को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक समय एक दूसरे पर नजरें जमाए रखने वाले
दिलीप और मधुबाला एक ही फिल्म के सेट पर एक दूसरे से नजरें चुराते नजर आने लगे और दोनों अलग हो गए। वहीं मधुबाला की नजरों में ऐसा था कि दिलीप ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि भरी अदालत में दिलीप ने नहीं दिया था मधुबाला का साथ, बल्कि दिया था बिया चोपड़ा का साथ और कहा था कि हाँ मधुबाला ने फिल्म के लिए हाँ किया है और अब वो शूटिंग के लिए भोपाल नहीं जा रही। वहीं मधुबाला को यकीन नहीं हुआ था कि ये उनका ही प्यार है। तब जाके दिलीप ने भली अदालत में कहा था कि यू ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ और आखिरी सांस तक इसी औरत से प्यार करता रहूंगा। लेकिन तब तक दोनों का रिश्ता टूट चुका था। वहीं फिर आती है फहीदा रहमान, दिलीप साहब की जिंदगी का तीसरा प्यार वहीदा रहमान। जी हाँ, गुरुदत्त से रिश्तों को लेकर वो अक्सर चर्चाओं में रहा करती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दिलीप कुमार उनको पसंद करते हैं। वहीं बहुत कम लोगों को पता है कि यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार ने वहीदा रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया। वहीं वहीदा को भी दिलीप पसंद थे। दिलीप ने जब शादी के लिए हाँ की तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक दिलीप की जिंदगी में आ गई थी सारा बानो। इससे पहले आपको बता दें, दिलीप की जिंदगी में विजयंती माला भी आई। विजयंती माला और दिलीप एक दूसरे के बहुत करीब आए। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, दोनों का लव अफेयर भी रहा। लेकिन अचानक से विजयंती माला ने बॉलीवुड को ना कर दिया, यानी अलविदा कह दिया और जाकर शादी कर ली। कोई नहीं जानता कि अचानक से विजयंती माला ने बॉलीवुड को मना क्यों किया, बॉलीवुड को अलविदा क्यों कहा। उन्होंने अपनी सिंगिंग से लेकर एक्टिंग तक छोड़ दी थी, वो भी उस समय में जो विजयंती माला बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। जी हाँ, आपको बता दें, कहा जाता है दिलीप कुमार विजयंती माला की भी खूबसूरती के दीवाने थे। उनकी नैनक्ष दिलीप कुमार को बहुत पसंद थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। विजयंती माला भी कहे तो दिलीप के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अचानक से किसी को बिना बताए वो बॉलीवुड को छोड़कर चली गई और उन्होंने शादी कर ली। वहीं अब बात करते हैं सारा बानो, जिनसे हुआ दिलीप का आखिर में निकाह। आशिक मिजाज दिलीप कुमार का दिल भी सारा पे इस कदर फिसला कि फिर इस रिश्ते को खूबसूरत अंजाम, मतलब शादी की शक्ल लेते हुए देर नहीं लगी। यूं तो सारा दिलीप से 22 साल छोटी थी, लेकिन वो इन्हें 12 साल की उम्र में ही अपना दिल दे बैठी थी। दिलीप साहब की जिंदगी की आखिरी तक सारा ने उनका हाथ थामे रखा। अब सलीम जन्नत जा चुके हैं और पीछे रह गए हैं उनके किस्से। बता दें आपको कि दिलीप साहब को बहुत से लोगों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन हर किसी को अब यही चिंता है कि सारा बानो दिलीप साहब के बिना कैसे रहेंगी। भले ही दिलीप साहब ने दूसरी शादी कर आसमा से दूसरी शादी कर सारा को धोखा दिया हो, लेकिन सारा ने शादी के बाद दिलीप के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। जब दिलीप उनको छोड़कर किसी और के पास चले भी गए थे, तब भी सारा उनका इंतजार करती रही और आखिर में दिलीप लौट आए। वहीं वहीदा रहमान भी दिलीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है कि दिलीप ने वहीदा रहमान को धोखा दिया। शादी की हामी भरने के बाद उन्होंने सारा से शादी कर ली। जी हाँ, वहीदा ही नहीं विजयंती माला के साथ भी इनका रिश्ता रहा। इसी के साथ आपको बता दें, इनका रिश्ता ज्यादा लंबे वक्त तक भले ही ना रहा हो, लेकिन वहीदा से तो दिलीप कुमार शादी करने के सपने देखते थे। वहीदा गुरुदत्त के प्यार में पागल थी। वहीं कहा जाता है कि गुरुदत्त की मौत के साथ ही इनका प्यार भी खत्म हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।